केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी के समापन संबोधन के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात में भाजपा दो दशकों से अधिक समय से सत्ता में है क्योंकि पार्टी सत्ता को सेवा करने का साधन मानती है। प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अटल जी ने भाजपा के विचार, संस्कार और नेतृत्व को नई ऊंचाई दी। उन्होंने कहा कि आज पार्टी का सूर्य तो चला गया, लेकिन जैसे कार्यकर्ताओं के रूप में जो सितारे हैं उन्हें अपनी चमक बढ़ा विचारधारा के प्रकाश को आगे फैलाना है। उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी अपने भाषण में अजय भारत अटल भाजपा का नया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम सत्ता को के रूप में नहीं देखते, सत्ता को जनता में काम करने का उपकरण समझते हैं। विपक्ष के महागठबंधन की अवधारणा को लेकर मोदी ने विपक्ष पर परोक्ष निशाना साधते हुए कहा, जो लोग एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक साथ चल नहीं सकते, आज वो गले लगने को मजबूर है क्योंकि पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है और काम की स्वीकार्यता बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने 2019 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कहा कि हमें चुनौती कहीं नजर नहीं आती। विशेष महिला सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जल्द ही दिल्ली समेत 8 प्रमुख शहरों में सार्वजनिक पैनिक बटन और महिला गश्त दल शुरू किए जाएंगे। इस दल की सभी सदस्य महिलाएं होंगी और गृह मंत्रालय ने इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए मंजूर भी किए हैं। महिला सुरक्षित शहर परियोजना के तहत महिला और बच्चों के लिए पारगमन शयन कक्ष, स्मार्ट LED, स्ट्रीट लाइट, एकल बिंदु संकट समाधान केंद्र के साथ ही फोरेंसिक और साइबर अपराध प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे। यह परियोजना महिला सुरक्षा को लेकर व्यापक रूप रखती है और राज्य अपनी आवश्यकताओं के आधार पर मिले जुले समाधान अपना रहे हैं। इसमें पूर्ण रूप से महिला गश्त दल जैसे सी टीम और आकस्मिक प्रतिक्रिया वाहन जैसे अभ्यम वैन की तैनाती की परिकल्पना है, जिसे त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया प्रणाली सुनिश्चित की जा सके। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इच्छा मृत्यु को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति के पास सम्मान से मरने का अधिकार है। पुणे में कार्यक्रम के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि कई पश्चिम देश में अभी भी यूथेनेसिया के मुद्दे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन भारत में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस समस्या से निपटा जा चुका है। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, लेकिन उसी वक्त उसके पास यह भी अधिकार है कि वह सम्मान से अंतिम सांस कब ले। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मार्च में इच्छा मृत्यु पर एक अहम फैसला सुनाया था। भुगतान बैंक और पार्सल निदेशालय शुरू करने के बाद भारतीय डाक की अगली योजना बीमा कंपनी स्थापित करने की है। संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने बताया कि अगले 2 साल में बीमा कंपनी बनाने का निर्णय किया गया है। डाक विभाग अब अपने आप को नए रूप में ढाल रहा है। पार्सल निदेशालय और भुगतान बैंक को शुरू कर अपने कारोबार का विधिकरण करने के बाद डाक विभाग ने अगले 2 साल में एक बीमा कंपनी स्थापित करने का निर्णय किया है। यह एक विशेष कारोबार इकाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 सितंबर को भारतीय डाक भुगतान बैंक की शुरुआत की थी। इससे सरकार का मकसद डाक विभाग की देश भर में पहुंच का लाभ उठाने का है, ताकि उसके 3 लाख डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से वित्तीय समावेशन योजनाओं को दूरतम इलाकों तक पहुँचाया जा सके। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को चुनौती देने वाला एक ट्वीट किया है। इससे पूरी तरह भाजपा हिल गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक के साथ भाजपा के प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी ने धड़ाधड़ पलटवार किया। प्रेम प्रकाश पांडे ने अपने दो ट्वीट में कहा कि बघेल जी, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बहस के लिए बुला लें, हम मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को तैयार कर लेंगे। एक दिन पहले भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को विकास के मुद्दे पर बहस की खुली चुनौती दी थी। इस मामले में अभी तक मुख्यमंत्री का तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तेज तर्रार मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने भूपेश बघेल को जरूर करारा जवाब दिया है। भूपेश बघेल को प्रेम प्रकाश पांडे ने बैक टू बैक दो ट्वीट किए, डॉक्टर रमन सिंह जी बहुत हो गए जुल्मबाजी, आइए आप और मैं बैठकर खुली चर्चा कर लेते हैं विकास के नजरिए पर, जगह और मंच आप चुन लीजिए, समय आप तय कर लीजिए, बस आप होंगे, मैं होऊंगा, जनता होगी और कैमरा लाइव होगा।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 29 सितंबर के दौरे से पहले भाजपा के घोषणा पत्र का खाका तैयार हो जाएगा। इसके लिए घोषणा पत्र समिति की जल्द ही बैठक होगी। संभावित घोषणा पत्र को राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखा जाएगा। उनका इसमें कोई फेर बदल करना होगा तो उसे करने के बाद ही इसे जारी किया जाएगा। भाजपा ने सत्ता में फिर से वापसी के साथ मिशन 65 प्लस की तैयारी की है। इस सप्ताह यहाँ पर हुई कोर ग्रुप की बैठक में घोषणा पत्र समिति का गठन किया गया है। इसी के साथ और कुछ समितियाँ भी बनाई गयी है। सबसे अहम घोषणा पत्र समिति है जिसकी बैठक जल्द करने की तैयारी है। इस बैठक में घोषणा पत्र का एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा। इसको सबसे पहले अमित शाह के दौरे से पहले होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक में रखा जाएगा। समिति की बैठक में इस पर विस्तार चर्चा होगी और समिति के सदस्यों को लगेगा कि इसमें और कुछ जोड़ा जाना चाहिए तो उसको भी जोड़ा जाएगा। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक में प्रदेश की 30 विधानसभा सीटों पर सिंगल नाम तय होने की जानकारी को कांग्रेस के उच्च पदस्थ सूत्रों ने हवा हवाई निरूपित किया है। इस सूत्रों का कहना है कि अभी की स्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति ये दावा करता है कि किसी भी सीट के लिए नाम तय कर लिया गया है तो यह कहना पूरी तरह गलत होगा। ऐसा कहने वाले कांग्रेस के टिकट वितरण के तौर तरीके से पूरी तरह ना वाकिफ है। यही नहीं, अगर चुनाव समिति की बैठक में किसी नाम पर सहमति भी बन जाए तो टिकट पक्की नहीं हो सकती। पिछले दो दिनों कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में होने के बाद ये मीडिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसी खबरें आ रही है कि इस बैठक में 30 विधानसभा सीटों के लिए जहां एक एक दावेदार सामने आए हैं उन सभी को पार्टी टिकट देगी। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इस मामले को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन पार्टी की कई बड़ी नेता इस तरह के खबरों को लेकर हैरान हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि टिकट वितरण के लिए जो प्रक्रिया तय की गई है उसका यह एक पड़ाव है, लेकिन किसी भी सीट के लिए नाम तय नहीं हुआ। मनरेगा के तहत मजदूरों की बकाया राशि का वास्तविक आंकड़ा शासन के पास नहीं है, जबकि बकाया राशि बांटने के लिए अतिरिक्त राशि 10 करोड़ रुपए शासन के पास रखी है। ऐसे में नाराज हुए विभाग के अफसरों ने सभी जिलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर चौपाल लगाकर मजदूरों का पता कराए। मजदूरों का वास्तविक आंकड़ा और बकाया मजदूरी राशि की जानकारी होते ही तत्काल भुगतान किया जाएगा। कई तकनीकी खामियों और निचले स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही के कारण प्रदेश भर के सभी जिलों में 10 करोड़ से अधिक मनरेगा के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास के पास राशि तो है, लेकिन उसके पास मजदूरों की वास्तविक संख्या और बकाया राशि की जानकारी ग्राम पंचायत वार नहीं है। ऐसे में मजदूरों को उनकी मजदूरी राशि पहुंचना कठिन है। लंबित मजदूरी की तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए बीते दिनों बकायदा प्रशिक्षण हुआ। इसके बाद 5 सितम्बर तक मजदूरों के नाम एवं बकाया राशि का उल्लेख करना था। डीजल की बढ़ती कीमतों से निजी स्कूल परेशान हो गए हैं। इसका प्रभाव उनके बजट पर भी पड़ रहा। महंगे डीजल से परेशान निजी स्कूल शासन को खत लिखने की तैयारी कर रहे हैं। इसके जरिए शासन से स्कूली बसों के लिए अलग कोटा निर्धारित करने और स्कूल बसों को कम कीमत में डीजल देने की मांग की जाएगी। स्कूलों को शैक्षणिक सत्र के माध्यम में बस किराए में वृद्धि करने में दिक्कत आ रही है। सामान्यतः निजी स्कूलों द्वारा बस किराया सत्र के पूर्व में ही ले लिया जाता है। पालकों के विरोध के साथ व्यवहारिक दिक्कतों का भी सामना निजी स्कूलों को करना पड़ेगा, इसलिए वे किराया नहीं बढ़ा पा रहे हैं। निजी स्कूलों का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब कुछ महीनों में ही डीजल के दाम 8 से 10 रुपए तक बढ़ गए हो। दिल्ली से लौटे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का 10 सितंबर के बाद भारत को बंद लेकर कहना है कि यह महज राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते घटते रहते हैं। ऐसे में कांग्रेस के साथ ही सभी विपक्षी दल सिर्फ एक मामले में सियासी रोटियां सेकने में लगी है। देश में हर रोज पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और इसके बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश में है। इसी को लेकर अब कांग्रेस द्वारा भारत बंद की तैयारी की गई है। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद को लेकर अब कांग्रेस को विपक्षी दलों का समर्थन भी मिल रहा है। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दिल्ली से लौटकर कहा, कांग्रेस के साथ विपक्षी जो कर रहे हैं उसके पीछे खुद की राजनीति के अलावा और कुछ भी नहीं है।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रदेश भर के 3 दर्जन कर्मचारी संगठन 19 सितंबर को राजधानी के बुढ़ापारा धरना स्थल पर प्रदर्शन करेंगे। दोपहर 12 बजे अपनी मांगों को मनवाने सड़क पर हजारों की संख्या में महारैली निकालकर शासन का ध्यान आकर्षित कराएंगे। 3 चरणों में आंदोलन का निर्णय अखिल छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन ने लिया है। अखिल छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन ने अपनी मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित कराया गया, पर सरकार ने इसकी अनदेखी की है। इसलिए फेडरेशन ने 36 कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से आंदोलन का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में 19 सितंबर को राजधानी के बुढ़ापारा स्थित धरना स्थल से महारैली निकाली जाएगी। 25 सितंबर को जिला मुख्यालय में कर्मचारी एकत्र होकर नारेबाजी करते हुए एक दिवसीय हड़ताल कर शासन का ध्यान आकर्षित कराएंगे। तीसरे चरण में मांग पूरी न होने पर 2 अक्टूबर से प्रदेश भर के 36 संगठनों के 10 लाख कर्मचारी काम ढक कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ पेंशनर एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष एनडीए बजाज ने बताया कि प्रदेश के पेंशनरों को 27 माह का एरियर्स नहीं मिला है। उनका कहना है कि राज्य शासन ने अपने कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान दे दिया, पर पेंशनरों के लिए यह 1 अप्रैल 2018 से लागू किया। इसके चलते वे 27 माह के एरियर से वंचित है। पेंशनरों को 1000 रुपया मेडिकल भत्ता देने की मांग की गई है।